उसके उसके जो लोग हैं उसके जो वो बड़े उस पर खफा है कि जी आप हमारे लीडर को गीदड़ क्यों कह रहे हैं। अब अगर आपका लीडर बाथरूम के अंदर कहीं छुप के लॉक लगा के पुलिस देख के, पहले तो उसकी जो है वो बैकग्राउंड ये रही है कि मौसूफ जब पुलिस आई थी मुशर्रफ के दौर में तो अपने घर की दीवारें फलांग के भाग गए थे, फिर उसके बाद एक दफ़ा खुदा न खास्ता पुलिस उनके पीछे कई गलती से चली गई, पता नहीं किस मामले में गई मुझे याद नहीं, तो वो खेतों के अंदर से भागते हुए पाए गए। और अब तो उन्होंने कमाल ही कर दिया कि अब वो पहले इतने दिनों प्लास्टर चढ़ा के बैठे रहे और अब उसके बाद उन्होंने अचानक ये किया कि अब वो प्लास्टर उतारा है तो अब वो बाथरूम में घुस गए और वो लॉक लगा लिया उन्होंने पुलिस पार्टी को देख के। और उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं उन्होंने बताया कि ही इज़ नॉट अवेलेबल, सो आइंदा पाकिस्तान के अंदर ही इज़ नॉट अवेलेबल का कानून चलेगा, जिसके घर पुलिस जाए। और पुलिस को भी मैं कहना चाहती हूँ कि आइंदा आपने कोई भी आम बंदा हो, हम तो खैर वैसे ही मतलब गाजर मूली हैं, हमारे साथ जो सलूक होता रहा है, हमें जिस तरह घरों से उठा के जेलों में डाला जाता रहा है, हमारे वर्कर्स को, हमारी लीडरशिप को, वो उसकी तो स्टोरी और है। लेकिन अब एक कानून तय हो गया है कि पुलिस बड़ी शाइस्तगी के साथ मुहज़बाना तरीके से बुए पे जाके खड़काएगी और जाके पूछेगी आप अंदर हैं, तो जो भी अंदर बूटा होगा या कोई भी गामा साजा या कोई भी वो होगा वो कह दे कि आई एम नॉट अवेलेबल। खातून को भेज दें, अपनी पिंकी पीनी साहब वैसे पता नहीं कल कहाँ थी, उनको भेज दें या चीफ ऑफ स्टाफ, उनका तो कोई हो नहीं सकता ना, कोई घर का अपना बंदा ही होगा, तो एक लाइन सिखा दें अब पाकिस्तान का कानून है ही इज़ नॉट अवेलेबल, दैट्स इट। और किसी बंदे को अरेस्ट करने की और किसी बंदे के ऊपर हाथ डालने की किसी को जरूरत नहीं होनी चाहिए। लीडर मैं बताती हूँ कि क्या होता है, लीडर वो होता है जिसको मुल्क बनाने और संवारने पर जिसके खिलाफ साजिश करके उसको राह से हटा दिया जाए, उसको नवाज शरीफ कहते हैं। और गीदड़ वो होता है जिसका तांगा पार्टी से शुरुआत हो और फिर तांगा पार्टी जो है उसको सपोर्ट देकर जो है वो आगे लाया जाए, उसको इमरान खान कहते हैं। लीडर वो होता है जो अवाम के सहारे पर नवाज शरीफ की तरह 2/3 मेजॉरिटी ले। और गीदड़ वो होता है जो एक डिक्टेटर के रेफरेंडम के अंदर चीफ पोलिंग एजेंट हो। लीडर नवाज शरीफ की तरह वो होता है जो इलेक्ट होकर अवाम की दीवी पर्ची पे आता है। और गीदड़ इमरान खान की तरह वो होता है जो आरटीएस को बैठाकर सिलेक्ट होकर आता है। लीडर नवाज शरीफ की तरह वो होता है जो सियासी इंतकाम को ग्रेसफुली हंसते हंसते बर्दाश्त करता है, सैकड़ों पेशियाँ भुगतता है और फिर अपने खिलाफ वो फैसला जो वो जानता था कि गलत है, जो उसको मालूम था साजिश के तहत तैयार हुआ है, जो उसको मालूम था कि सरीना के फैसले में आया है, जो उसको मालूम था कि प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब करने के लिए बनाया गया है, वो नवाज शरीफ बेटी का हाथ पकड़ के आता है और आकर जेल में चला जाता है। और फिर भी कभी उस नवाज शरीफ को कभी कोई झुकते हुए, कभी कोई गिरते हुए, कभी कोई घबराते हुए नहीं देखता, इसको कहते हैं लीडर। और गीदड़ क्या होता है, गीदड़ वो होता है जो बाथरूम में छुप जाता है, और गीदड़ वो होता है जिसको पुलिस देख के जिसको जो है जिसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और गीदड़ वो होता है जिसको जेल के अंदर छिपकलियाँ जो है उससे बहुत डर लगता है, गीदड़ वो होता है कि जिसको जो है ज़कात खैरात चोरी करने के ऊपर अगर अदालत बुलाए तो वो औरतों को बच्चों को ढाल बनाकर गुंडे साथ लेकर मुसल्ला अफराद लेकर वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर यलगार करता है, और इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है वो हंगामा आराई करने पर उस शख्स को बेल मिलती है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर तहोबाला कर देने को कानून को। कमाल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर हंगामा आराई करने के ऊपर वो पूरी जुडिशियल कमीशन की जो है वो इमारत को तोड़ने को, पुलिस वालों को मारने को, उनकी वर्दियां फाड़ने को, शीशे तोड़ने को जो है इसके ऊपर उसको जो है वो बेल मिलती है। पाकिस्तान का निज़ाम अदल आज कल बहुत इन क्वेश्चन है और ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए हर एक डेमोक्रेट के लिए, हर एक उस पाकिस्तानी शहरी के लिए जो इस मुल्क के अंदर इदारों को जो है वो फाल तौर पर काम करना देखना चाहता है। लेकिन आजकल जो है वो पाकिस्तान ट्रक इंसाफ जो है जिसको पीटीआई कहते हैं आजकल वो चल रहा है, और उस ऑडियो के ऊपर हर ऑडियो जो आती है उस पर कह दिया जाता है ये फेक है, और क्या उस बात को जो है वो सच मान लिया जाए कि ये फेक है, क्या फवाद चौधरी साहब और उनके ख़ानदान की जो है वो क्या जो है वो मैनेजमेंट की तारीख नहीं है, मैं नहीं कहती, हामिद खान साहब कहते हैं, मैं मेरी बात को तो बिल्कुल आप बिलीव ना करें, लेकिन मेरे लिए एक लम्हा फिक्रिया ये है कि एक शख्स
जिसने पाकिस्तान के तमाम इदारों के खिलाफ ऐलान जंग शुरू कर दिया है, वो बेशक इदारा फौज हो, वो बेशक इदारा इलेक्शन कमीशन हो, वो बेशक इदारा सवाए चंद हजरात के बाकी अदलिया हो, जो अदलिया इमरान खान के हक की बात करे, इमरान खान को रिलीफ दे, इमरान खान की हर छोटी बुरी आदत के ऊपर पर्दा डाल दे, वो अदलिया इमरान खान को पसंद है। बाकी काजी फाजिसा जैसे लोग इमरान खान को पसंद नहीं है, बाकी जो अतर मिनल्ला साहब जैसे लोग, बाकी जो लोग कानून की बात करते हैं वो इमरान खान को पसंद नहीं है। इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। तो मेरा सवाल यह है कि ये इम्प्रेशन क्यों है कि अदलिया के अंदर एक हिस्सा ऐसा मौजूद है जो इमरान खान की इस जंग के अंदर उसका साथी है। और ये कल आपने देखा, बड़ी मजाक खेज बात थी कि इतवार था और हम वैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि इंसाफ के दरवाजे इमरान खान के लिए एक दफ़ा फिर खुल जाए और इमरान खान साहब को जो है वो फौरी अर्जेंट फूड पांडा वाला जो इंसाफ है वो घर बैठ कर उनको मुहैया हो जाए, जैसे उनको घर बैठ कर जमानतें मिल जाती हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन कल जो फुटेज देखी उसमें ये था कि एक जो लाहौर हाईकोर्ट का दरवाज़ा है उसके जब वो नहीं खुला तो उस दरवाजे के जो सलाखें हैं उसके बीच में उन्होंने दरख्वास्त रखी हुई थी। वो देखकर मुझे ख्याल आया कि इस दरख्वास्त की तरह इमरान खान भी पाकिस्तान के गले में फंसा हुआ है, पाकिस्तान की जो सलाखें हैं उसके बीच में इमरान खान नाम का फितना फंसा हुआ है, जो पाकिस्तान की सियासत के लिए भी गले में फंसा है, पाकिस्तान की मईशत के गले में भी फंसा, पाकिस्तान के माशरे की खलाकियत के गले में भी फंसा। और ये वो इंसान, ये वो फितना है जो पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट करने के लिए, जो पाकिस्तान की तबाही में, हर तरह की तबाही के अंदर वो आदमी शरीक है, लेकिन उस आदमी को ना कभी किसी केस में पेश होने की इजाज़त दी जा रही है, वो इजाज़त कौन दे रहा है? मेरा सवाल ये है कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस मौजूद है, मान लिया इमरान खान ने कल कहा तोशा खाना को जो है वो लाइव दिखाएं, बिल्कुल दिखाएं, तो भाई जाके पहले पेश तो हो जा, तोशा खाना केस के अंदर पेश तो हो, पेश तुम हो नहीं रहे, तुम्हें अदालत बुला रही है, तुम्हारे खिलाफ नाकाबले जो है जमानत जो है वो नाकाबले जमानत जो वारंट गिरफ्तारी है तुम्हारे वो जारी हुए हैं, तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा। और कोई अदालत ये कहने की रवादार नहीं है कि इमरान खान जाओ जाकर शामले तफ्तीश हो, हिफाजती जमानतें मिलती हैं कि आप जाकर शामले तफ्तीश हो जाए, आपको अरेस्ट तब तक ना किया जाए जब तक आप तफ्तीश के अंदर शामिल नहीं होते। इस आदमी को तफ्तीश के अंदर भी शामिल नहीं होना, इस बंदे को अरेस्ट भी ना किया जाए, इस बंदे से सवाल भी ना पूछा जाए, तो आइंदा हमें कोई कानून और इंसाफ का भाषण मत दे। फिर इमरान खान जो है वो भी अब कोशिश ना करे, कानून बराबर कैसे होता है अमीर और गरीब आदमी के लिए, ये भाषण हमें ना दे। अब इमरान खान अब ये ना बताए कि पाकिस्तान में दो कानून कैसे, और पाकिस्तान में मैं तो कहना चाहती हूँ इमरान खान के लिए कानून है ही नहीं, सिर्फ वो कानून है जो इमरान खान कहे, सिर्फ आप वो माने जो इमरान खान कह रहा है वो कानून है। और उसने जो है वो बाहर तमाशा लगाया हुआ है, पूरी कौम जो है वो देख रही है और फिर इसकी जान को खतरा है। भाई कमाल बात है, मुझे तो हजरत अली का कॉल याद आ रहा था कि जिंदगी की हिफाजत मौत करती है, और मौत एक ऐसी चीज है जो आप कहीं भी छुप जाए, जिस दिन परवरदिगार आलम ने आखिरी दिन लिखा है, जो आखिरी लम्हा लिखा है वो आके रहेगा, वो नहीं बच सकते आप उससे। लेकिन इस शख्स को इतना खौफ आता है, क्या आपका क्या ख्याल है कि जो TTP ने जो एक बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की जिसके अंदर उसने PMLN की तमाम क्यादत को हिट किया, उन्होंने कहा कि इनको जो है वो खतरा है, हमारे तमाम लीडरों को खतरा नहीं, लेकिन बुजदिल नहीं है, गीदड़ नहीं है, और ये बिलीव करते हैं कि जिंदगी और मौत खुदा ताला के हाथ में। इस आदमी ने जान के खतरे का तमाशा और ड्रामा बनाया हुआ है, और वो मर रहे हैं कि मैं मर रहा हूँ, ये अजीब बात है वो। लेकिन ये एक बीमारी होती है जिसके अंदर एक इंसान को ये वहम हो जाता है कि सारी दुनिया मुझे मारने आ रही है और मैं मरने वाला हूँ। अब इस वहम का और बीमारियों का, जहनी बीमारियों का तो इलाज किसी जहनी मरीज़ जो है उसके किसी डॉक्टर के पास हो सकता है। तो बराए मेहरबानी इमरान खान को मुझे उम्मीद है राणा सनाउल्ला साहब जब इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे तो यकीनन उनका इलाज किसी जहनी डॉक्टर से भी ज़रूर कराएँगे, उनके टेस्ट वेस्ट तो होंगे ही ज़ाहिर है, क्योंकि उनके ब्लड टेस्ट जो है वो कभी हुए ही नहीं शौकत खानम के अलावा, वो पता नहीं ब्लड टेस्ट आपको पता है क्यों नहीं होते। और लेकिन जब वो जाएंगे जेल के अंदर, आपको पता है जब राणा सनाउल्ला उनको अरेस्ट करने का जो है वो फैसला कर लेंगे, तो सबसे पहले मुलजम को अरेस्ट करके उसका तिब्बी मुआयना होता है। तो मैं गुजारिश करूंगी हुकूमत पाकिस्तान से
कि जब इमरान खान को अरेस्ट किया जाए तो बराए मेहरबानी बाकी मुआयने के साथ उसके दिमाग का मुआयना भी ज़रूर कराइएगा, बिकॉज इसका ये पागलपन पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की माशरे की अखलाकियात को जो है वो घुन की तरह खा गया है। और जो जमान पार्क में हो रहा है, कल आपने दो ऑडियो सुनी है, दो चार खवातीन के बीच में एक ऑडियो थी, एक एमपीए साहिबा और एक कोई उनकी जो है वो कोऑर्डिनेटर थी उनके बीच में, उसमें वो जो गुफ्तगू कर रही हैं, मैं खातून होते हुए मैं उसको रिपीट नहीं कर सकती। उसके बाद दूसरी गुफ्तगू जो है वो डॉक्टर नौशीन हामिद और यास्मीन राशिद, जो मतलब आपको पता है ना, नफासत की शक्ल हैं वो, सियासत का खूबसूरत चेहरा है वो, पता नहीं क्या क्या हैं, लेकिन इमरान खान की तरह मौसूफा की भी जो है, हमें तो खैर पहले दिन से पता है वो क्या हैं, उनके भी बड़ी जल्दी परतें उतर रही हैं। और जो वो गुफ्तगू कर रही हैं कि नौशीन हामिद कुछ अकल की बात देने की कोशिश कर रही हैं कि खवातीन जो है वो वहाँ पर रात तक बैठी रहती हैं, वो कहती बैठी रहना तुम्हें क्या, यानी ये वो खातून हैं जो खवातीन का तमाशा बनाकर, जो खवातीन को अपनी गंदी और घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल करके खुश हो रही है कि हाँ बैठे रहने दो, रात तक बैठी रहती हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ जो भी हो रहा है चलने दो। ये है तरीके इंसाफ की असलियत, ये है तरीके इंसाफ की। मैं खुदारा मैं गुजारिश करना चाहती हूँ पाकिस्तानी कौम से, अब तो आँखें खोलिए। इस आदमी की जो कल्ट फॉलोइंग है उससे बात नहीं कर रही, वो तो ज़हनी मरीज़ है इमरान खान की तरह, उनसे बात नहीं कर रही, लेकिन जो आम पाकिस्तानी है वो समझिए कि ये शख्स जो चोरी डकैती करता है, जो तोहफे तक नहीं छोड़ता, जो ज़कात खैरात नहीं छोड़ता, और उस शख्स को जो कानून के भाषण देता है वो अपने लिए किसी कानून को जो है वो कुछ नहीं समझता। और आपके जमान पार्क में आप जिस लीडर की हिफाजत करने बैठे हैं, लीडर की हिफाजत की आड़ में वहाँ क्या हो रहा है? और ये बहुत सारे मेरे मीडिया के दोस्त यहाँ खड़े हैं, इनके पास बहुत सारी फुटेजेस भी मौजूद हैं कि जमान पार्क में क्या क्या हो रहा है, वहाँ पर किस तरह से सरेआम जो है वो मनशियात और बाकी चीज़ें जो है वो बड़ी वाइडली अवेलेबल है। सो ये तमाम चीज़ें, ये है तहरीक इंसाफ का असल चेहरा। और वो खवातीन, ओ खुदा का खौफ करो, मेरी माएँ बहनें, आप कितनी देर तक इस आदमी के स्टारडम का शिकार रहेंगी? और आपको इस्तेमाल किया जा रहा है एक ढाल की तरह और अपनी गंदी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए। सो ये एक लम्हा फिक्रिया कम अज़ कम तमाम हमारी जो आम इज़्ज़तदार फैमिलीज़ हैं जो इमरान खान को एक लीडर समझती हैं, वो लीडर नहीं है, वो एक फाशिस्ट आदमी है जो अपने मकासद के लिए ख़वातीन को, बच्चों को और मर्दों को किसी भी हद तक इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल, हम तो जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, इसमें कोई आपको किसी सूरत पर ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। हम अपने मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो अपने इस वक्त टूर्स कर रही हैं, हमने 6 डिवीजन पूरे कर लिए हैं, सिर्फ 2 डिवीजन रह गए हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में वो भी कंप्लीट हो रहे हैं। हमने अपना होमवर्क तैयार कर लिया है, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड्स जो हैं वो तकरीबन अनाउंस होने के करीब हैं। सो हम तो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, उसने डेट दी है और तमाम इंतजाम उसको करने हैं। एज ए पोलिटिकल पार्टी PMLN इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, और सिर्फ इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, इलेक्शन जीतेंगे भी, ये भी आप देखिए। बिलावल भुट्टो ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सैलाब जदगान के लिए वज़ीर आज़म ने ऐलान तो किया लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, अगर उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए तो वो फिर हुकूमत से अलग हो सकते हैं अपनी वजारत से, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहती, चूँकि ये बड़ा मतलब दो इत्तेहादियों की बात है, MQM और पीपल्स पार्टी की जो आपस की जंग है उसके अंदर जो है वो खामखा PMLN को रगड़ा देने की ज़रूरत नहीं है। और बिलावल भुट्टो साहब बड़ी अच्छी तरह, उनको पाकिस्तान की मौशी हालत के बारे में इल्म है, पाकिस्तान की जो हालात है उसके बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिलावल भुट्टो साहब की नॉलेज में नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त किस मौशी क्राइसिस में है ये उनको मालूम है, और जो वादे जो किए गए थे इंटरनेशनली, जो हमारे एक कॉन्फ्रेंस भी जो है वो बड़ी कामयाब हुई थी, उसकी भी जो है बहुत सारे वादे अभी अंडर प्रोसेस है। सो ये नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब के पास पैसे हैं और वो सैलाब जदगान को देना नहीं चाहते। शहबाज शरीफ वाहिद वो वज़ीर आज़म है जो हर वक्त हर मुश्किल में सैलाब जदगान के साथ शामिल भी हुए, उनके साथ उनके लिए हर तरह की इमदाद भी की, और अब भी जैसे ही पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर होते हैं, जो वादे हमसे किए गए हैं, जैसे ही पैसे सैलाब जदगान के लिए आएंगे वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सैलाब जदगान के लिए ही इस्तेमाल होंगे। काश ये बात इमरान खान को भी बता दे कोई कि सैलाब जदगान अभी भी जो है वो इमदाद के जो है वो मुतलाशी हैं। थैंक यू जी, शुक्रिया।